लेकिन ये छोटे साइज के होते बावजूद इतनी तबाही कर सकता, मतलब छोटे पैकेट तो में बड़ा धमाका। फाइनली हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भारत का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है वो दोस्तों अब मिल चुका है। भारत ने एक नया विस्फोटक तैयार किया है जो भारतीय सेना के बमों और मिसाइल्स की ताकत को कई गुना तक बढ़ा देगा। भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बना डाला है और सीरियसली यार सेबेक्स 2 इसका नाम लिखा है। हाँ। दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब बोला जा रहा है इसको। एक भारतीय कंपनी ने SEBX 2 नाम का स्वदेशी विस्फोटक बनाया है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में एक बन गया है। कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि ये केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। कि इंडिया ने जिसे वो कहेंगे ना कि तकरीबन $81 बिलियन की $81 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट की है इंडियन डिफेंस स्पेंडिंग। मैं तो खुद हैरान हूँ कि भाई इंडिया ने क्या कर दिया और किस तरीके का बॉम्ब है जो अमेरिका रशिया चाइना जैसे देश ही बना सके इंडिया बना रहा है। इस वक्त इंडिया आपको पता है थर्ड लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद। मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है। टेक्नोलॉजी ला रहा है, खुद टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन भारत में बन रही है अंडर मेड इन इंडिया एंड दिस इज बीइंग एक्सपोर्टेड अराउंड द वर्ल्ड। फाइनली एक ऐसा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि अब हमें मिल चुका है, एक ऐसा एक्सप्लोजिव है जो कि अब हमें मिल चुका है जिसकी जो लिथालिटी या जिसकी जो पावर है वो TNT से 2.01 टाइम्स की ज़्यादा पावर वाला हमें ये बॉम्ब देखने को मिलता है। जो लोग TNT के बारे में नहीं जानते आपको ब्रीफली बता दूं, TNT एक बहुत ही लंबे टाइम से इस्तेमाल किया जाने वाला एक्सप्लोजिव है जो कि ना केवल भारत बल्कि दुनिया की हर एक कंट्री है जो कि TNT का इस्तेमाल करती है। TNT का जो प्रिंसिपल होता है बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, इसमें इस तरीके से केमिकल्स को मिलाया जाता है जिसमें कि सॉलिड जो है वो बड़ी जल्दी से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक ब्लास्ट करता है और ये फिर वहाँ पे डैमेज कर देता है। अब दुनिया में जितने भी बॉम्ब बनते हैं उनको TNT को रेफरेंस मानते हुए उनकी पावर को नापा जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो बॉम्ब है आखिरकार TNT से कितना ज़्यादा शक्तिशाली हमें देखने को मिलता है। खैर कमिंग टू द बॉम्ब जो कि इंडिया में तैयार किया गया है, पहली बात इस बॉम्ब का जो नाम है इसका जो टेक्निकल नेम है इसको सेबेक्स 2 यहाँ पे नाम दिया गया है और बनाने वाली जो कंपनी है ये जानी मानी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है एक्सप्लोजिव्स इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा दोस्तों बेसिकली इस पर्टिकुलर बॉम्ब को यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। इंडिया ने इतने ड्रोन एक्सपोर्ट कर दिए कि कहते हैं कि अब जो गैप था PLA यानी कि चाइनीज फौज और भारतीय सेना के बीच में जो ड्रोन्स का गैप था वो बहुत कम हो गया है। अभी भी चाइना आगे है लेकिन वो पहले जो इतना था ना वो इतना हो गया है, अब लग रहा है कि यहां पकड़ लेंगे उनको। ये बहुत बड़ा फायदा हो गया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि ग्लोबल ड्रोन हब बनेगा भारत बाय 2030 और सो फार 2000 to 2500 ड्रोन्स हैव बीन इंडक्टेड with a spend of 3000 to 3500 crore on drones and maintenance under special financial powers. To ye hain aapke defense ke drone, kehte hain ki 2000 se lekar 2500 drone already induct ho chuke hain. Ab aap samajh lijiye army navy aur air force mein kis level pe made in india drones istemal ho rahe hain। सोलर इंडस्ट्रीज भी आपको ब्रीफली बता दूं ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जो कि इंडिया के लिए तो यहाँ पे बॉम्ब्स को तैयार करती ही है लेकिन इसके कई सारे बॉम्ब्स इस तरीके से भी तैयार होते हैं जो कि बाहर के देशों में भी जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है। खैर नाउ ये वाला जो बॉम्ब यहाँ पे तैयार किया गया है ये कहा जा रहा है कि वंस ये वाला बॉम्ब हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और एयरफोर्स के द्वारा इस बॉम्ब का इस्तेमाल शुरू होगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो भी हमारे आर्टिलरी शेल्स हैं जो भी हमारे जो ट्रेडिशनल बॉम्ब्स हम लोग अभी तक यूज़ कर रहे थे या फिर इवन जो भी हमारी जो मिसाइलें हैं उनके आगे जो वॉरहेड्स लगे हुए हैं उन सभी का जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें एक्स्ट्रा वेट को ऐड करना नहीं पड़ेगा। यही इसकी सबसे खास बात है दैट विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा वेट हमारे जो अभी तक ट्रेडिशनली बॉम्ब्स और शेल्स और वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था उसका दोस्तों जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
था टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रक्टिव पावर। यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी बॉम्ब की हमें पावर को समझने के लिए हम आमतौर पर रेफरेंस लेते हैं कि ये TNT से कितना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इंडिया में जितनी भी मिसाइलें हैं, जितनी भी आर्टिलरी शेल्स हैं, उनका जो TNT की तुलना में जो उनकी पावर है वो 1.25 टाइम्स या 1.3 टाइम्स के आसपास की देखने को मिलती है। अगर मैं इंडिया की मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव की बात करूं तो ब्रह्मोस मिसाइल में देखने को मिलता है जिसकी क्षमता TNT से 1.5 गुना के से आसपास देखने को मिलती है, लेकिन ये जो हमने बॉम्ब तैयार किया है दिस इज 2.01 टाइम्स मोर पावरफुल दैन TNT, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इंडिया का दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि इंडिया ने यहाँ पर तैयार कर लिया है। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। इस वक्त इंडिया आपको पता है 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर है अमेरिका और रशिया के बाद, 3rd लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरर रशिया और अमेरिका और रशिया के बाद इन दैट उस लाइन के अंदर, ठीक है जी। अब हो ये रहा है कि इंडिया क्योंकि बहुत सारे जो जिसे कहते हैं ना जो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनको वो जिसे कहेंगे ना कि इस तरह के जो लॉन्ग वेपन्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है, बना रहा है, एंड देन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है, टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे भी काम कर रहा है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स पे भी काम कर रहा है, हाइपरसोनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इन तमाम चीज़ों पे इंडिया बड़े अरसे से काम कर रहा है। और इंडिया जो है वो समझें कि अपने आप को महसूस करता है कि दैट इट इज़ इन द बैटल फील्ड, ठीक है जी। अब इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि उसको अपनी जो लॉन्ग रेंज बैटरीज हैं इंडिया वांट्स टू पोजीशन देम चाइना और पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। अगर जो हमने रिसेंटली बात की थी कि जो अग्नि 5 जो कि 5500 प्लस किलोमीटर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड देन फिर अग्नि 6 8000 से 12000 जो है वो है, फिर सूर्या है जो 12000 से 16000 किलोमीटर लंबा है, मतलब दूर तक जा सकता है। सो ये आप समझ लें कि इंडिया के जो डिजाइन हैं दे आर बियॉन्ड एशिया, ठीक है जी। और ये जो इंडिया के खास तौर पे कहा जाता है कि ये जो अग्नि सीरीज मिसाइल है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है। मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट भी देख रहा था, फिर एक हमारी प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर रिजवाना अब्बासी, उनको भी मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर जफर जसपाल हैं, डॉक्टर आदिल हैं, आप इन तमाम लोगों को डिफरेंट जो कि खासतौर पर जो स्ट्रेटजिक इश्यूज के ऊपर लिखते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये सारे प्रोफेसर हैं ये जो एंड दे कीप वॉचिंग इंडिया की जो मिलिट्री हार्डवेयर है। आपको पता है पहले जब इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर मिलिट्री इक्विपमेंट मिल रहा था तो पाकिस्तान एक बात कहता था वो जी ये जो है ना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा वो जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है इतना हुआ अब तो पाकिस्तान बात ही नहीं कर सकता, फ्रेंकली स्पीकिंग पाकिस्तान तो बात ही नहीं कर सकता। ये वही बात हुई भारत मतलब ऐसी चीज बनाई है कि साइज में नहीं लगता लेकिन जब गिरता है तो ऐसी तबाही करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है।